की गंगा जी किनारे भगवत कथा हो रही थी काशी में। एक वयोवृद्ध व्यक्ति टाट लपेटे कोढ़ सा हुआ है, हाथ जोड़े कोने में सिर झुकाए बैठे। श्री तुलसीदास जी ने दर्शन किया, वहीं बैठ गए। कथा को विश्राम हुआ, सब श्रोता चले गए। पर तुलसीदास जी बैठे। श्री हनुमान जी का नियम था, जब सब चले जाएं तो जाते। तो टाट लपेटे हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुलसीदास जी से कि बाबा तुम भी जाओ, कल फिर आना। तुलसीदास जी बोले हमें कहाँ जाना है, आप ही जाओ। श्री हनुमान जी की बात ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, धीरे धीरे जाऊँगा, तुम जाओ। तुलसीदास जी ने कहा तो हमको भी कौन सी जल्दी है, कहाँ जाना है, यहीं बैठे। अब हनुमान जी ने कहा अरे जाओ ना, हम कह रहे हैं जाओ। जब ऐसे कहा तो तुलसीदास जी के नेत्र भर आए, सजल लोचन होकर उस वृद्ध के सामने सिर रख दिया, चरण पकड़ने को हाथ बढ़ाए। श्री हनुमान जी बोले अरे भैया दूर रहो, दूर रहो, मैं कोढ़ी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे मत छुओ, तुम तो भले महात्मा दिखाई देते हो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए और रोकर कहा कि हे प्रभु अब अपने को छिपाओ मत, प्रकट हो जाओ। और रोकर जब प्रार्थना की तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। कंचन वरन विराज सुबेसा, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, आंधे मूंज जनेऊ साजे, आंधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। अब तुलसीदास जी ने जो दर्शन किया, अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण निधान बानराणाम धी रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा अतुलित बलदान। हे अतुलित बलदान, बलधाम 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 बलधाम, बलधाम धाम धाम बलधाम, अतुलित बलधाम,
अतुलित बलधामम अतुलित बलधामम अतुलित बलधामम।